अब देखो आपको दिखाता हूं मैं 1996 बैच का ये पूरा का पूरा जो है वो एक समझ लीजिए कि एक बुक टाइप का है, जिसमें कि हर डॉक्टर के बारे में, हमारे बैच के हर डॉक्टर के बारे में लिखा है। देखो मेरा भी फोटो बना हुआ है इसमें ना, दिस इज माय फोटोग्राफ, है ना, ठीक है ना, पूरा हर बैच हर एक के बारे में लिखा हुआ है उसमें, कि कौन कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं इसके तुम्हें गो थ्रू किया पूरा उसको, मैंने देखा मेरे बैच के बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अधिकांश के पास अपने हॉस्पिटल्स हैं, अधिकांश लोग जो है वो अपने अपने एरिया में जो है सुपर स्पेशलिस्टी में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब तो अच्छा लगता है देखकर, जब आप कॉलेज में, हम लोग जब इंटर किए थे ना 1996 में, तब कोई कुछ भी नहीं था, मतलब सब लोग सिर्फ सिर्फ जो है वो मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम निकालकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे थे। मैं भी उनमें से एक था, मेरे सारे बैचमेट वैसे थे जो सिर्फ एक एग्जाम निकालकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे थे। वहां से उन्होंने शुरुआत किया अपना, पढ़े 5 साल, उन्होंने एमबीबीएस किया अपना, फिर पीजी किया। अब आप बोलेंगे ये सब उन्होंने क्रिएट कितने साल में किया? सर 25 साल तो बहुत लंबा समय होता है, आप ऐसा बोलेंगे, पर सर बताऊं मैं आपको कि जो 25 ईयर हम लोग जो गिन रहे हैं ना, वो 1996 से गिन रहे हैं। 96 में हम लोग मेडिकल कॉलेज में इंटर किए थे, वहां से गिन रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 5.5 साल तो एमबीबीएस का हो गया, फिर आप 1 साल पीजी की तैयारी करते हैं तो 6.5 साल हो गया, फिर 3 साल आप पीजी करते हैं तो 9.5 साल हो गया, 10 साल का समय लगता है पीजी करके कंप्लीट होने में, ठीक है, तकरीबन 10 ईयर्स का टाइम लगता है। और आप 25 में से 10 साल का समय हटा दें तो 15 साल बचता है। कुछ लोगों ने सुपर स्पेशलाइजेशन भी किया है, 2 साल उसका भी जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो मतलब 12 से 15 साल में उन्होंने जीरो से शुरू करके उन्होंने जो है वो अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। एम्पायर का मतलब जैसे क्या है, इसका मतलब ये कि मेरा एक फ्रेंड है विकास सिंह, साजापुर में उनका जो है काफी बड़ा जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी का काफी बड़ा हॉस्पिटल है उनका, जिसमें वो कई सारे पेशेंट देखते हैं। साजापुर एक छोटा कस्बा है, यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत आवश्यकता भी है, लेकिन वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा 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 फैसिलिटी खड़ा किया, तो वहां के जितने पेशेंट थे उनको वो सर्व कर रहे हैं। कुछ लोग फॉरेन चले गए वहां पे, वहां से काम कर रहे हैं। तो बात मुद्दा इतना सा है कि समय समय और दिशा, यदि आप समय देंगे और सही दिशा में चलेंगे तो आपकी दशा बदल जाएगी। समय देंगे, सही दिशा में चलेंगे तो आपकी दशा बदल जाएगी, मतलब जैसे आप है वैसे नहीं रहेंगे, आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे आप। तो पॉइंट इज दैट कि हम सभी लोग जो है एक दिन स्टूडेंट थे, फिर एक दिन मेडिकल डिग्री हाथ में आ गई, डॉक्टर बन गए, फिर अपना अपना स्ट्रगल शुरू किया और सब लोग जो है वो आगे बढ़ गए। तो और ये आपके साथ भी होगा, जब आप एग्जाम निकालेंगे, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे, आप सफल होंगे, आप तो आप भी एक दिन ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे ही जो है वो अपना अपने रिकॉग्निशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे कि जो आपने पाया है उसको।